गरिमा, स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं खरगोन की खबरों की ओर। खरगोन सावन के पहले सोमवार को सुबह से ही भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालु शिव मंदिरों में पहुंचे, जहां पर सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए मंदिरों पर अभिषेक भी किया गया। आज सावन का पहला सोमवार खरगोन शहर के सभी क्षेत्र में सभी मंदिरों पर विशेष पूजा अर्चना की जा रही है और रात्रि को भगवान भोलेनाथ के सभी मंदिरों पर विशेष श्रृंगार किया जाएगा, जहाँ महाआरती के बाद प्रसाद वितरित होगा। शहर के पशुपतिनाथ महादेव मंदिर के पुजारी गोपाल कृष्ण जोशी ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए भक्तों से मास्क लगाकर व दूरी बनाकर पूजा अर्चना करने का हाथ जोड़कर निवेदन किया जा रहा है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस महामारी से विश्व को मुक्ति मिले। आज सावन सोमवार के पहले सोमवार को कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में सजा कर विशेष श्रृंगार के साथ रात्रि 9 बजे बाबा भोलेनाथ की महाआरती के साथ प्रसादी का भी वितरण किया जाएगा। खरगोन से हबीब आजाद की रिपोर्ट। कल से श्रावण मास चालू हुआ है जी, श्रावण का पहला सोमवार जी, आज तरीके से गाइडलाइन का पालन करते हुए गवर्नमेंट के नियमों का पालन कर रहे हैं। सब भक्तों को बोल रहे हैं कि भाई मास्क लगाएं, थोड़ी दूरी बना के रखें और भगवान से विशेष तौर पर प्रार्थना की जा रही है कि भगवान इस महामारी को विश्व से ख़त्म की जाए, विश्व से समाप्त की जाए, विश्व में कहीं पर भी थोड़ी सी भी ये महामारी नहीं रहने पाए। और आशा है, भगवान से उम्मीद करते, प्रार्थना करते और भगवान का आशीर्वाद चाहते हैं कि इस महामारी को शीघ्रातिशीघ्र समूल नष्ट कर देंगे, भगवान पूर्ण विश्वास है। और ऐसा लग रहा है कि अभी तक अब खरगोन में बहुत कम ऐसा सुनने में आ रहा है, खरगोन में क्या और भी बहुत सी जगह ऐसा है जहाँ पर अभी तक कोई केस नहीं आ रहे हैं। तो ये भगवान की कृपा है और आगे बनी रहेगी। श्रावण मास में किस तरह की तैयारी? श्रावण मास में प्रति वर्ष इस वर्ष भी ये लाइटिंग सज्जा की गई है और प्रतिदिन अनेक अनेक अलग अलग प्रकार से श्रृंगार किए जाएंगे। सोमवारों में विशेष श्रृंगार किए जाएंगे। आज जैसे कारगिल दिवस है, कारगिल पर विजय प्राप्त की थी तो उस उद्देश्य को देखते हुए आज कारगिल के अनुसार थोड़ा श्रृंगार किया जाएगा। जैसे कारगिल में जैसे बर्फ़ की बताई गई है, पहाड़ियाँ हैं, ऐसे उस हिसाब से कुछ बनाया जाएगा कि जिससे कारगिल विजय लगे कि आज भारत की सेना ने कारगिल पर विजय प्राप्त की थी जी। फल फूट की प्रसादी वितरण होगी विशेष आज, और आज के संयोजक है रामलाल भाई पाटीदार, पंडित गोपाल।